वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अलमा। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो कुर्ती हॉल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ में मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फर्स्ट है मेरे पास ये पार्सल, तो मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है तो अब मैं करती हूँ इसको ओपन एंड अनबॉक्स। इसकी इमेज आपको साइड में शो हो रही होगी कि किस तरह की कुर्ती मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव हुआ है। तो मैं इसको अब आपको पूरा डिटेल में और ओपन करके दिखाती हूँ कि मुझे क्या और किस तरह का रिसीव हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है मुझे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसा दिखाया गया है ये वैसा ही है, बट इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें ये स्टोन लगे हुए हैं बट जो पिक में है वो उसमें कुछ अलग ही वर्क है, कुछ गोल गोल सा कुछ वर्क है बट स्टोन तो नहीं है। एटलीस्ट उसमें जो थोड़ी सी चमकीली पिन्नी टाइप या मैं कह सकती हूँ इस तरह के उसमें ग्राउंड राउंड से हैं बीच बीच में, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें ये स्टोन चिपकाए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जैसा दिखाया गया वैसा ही है बट जो इसकी क्वालिटी की है, ये जैसे इसकी लटकन है जो दिखाई गई है तो वैसी बट ये सेमेज नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये थोड़ा लो क्वालिटी का या ये क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं लटकन में वैसी लटकन नहीं है जैसी उसमें दिखाई गई है। बस ये सब कॉपी के उसमें किया हुआ है बट ये आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग भी सफाई की नहीं है एक तरह से कह सकते हैं। बट इसका फैब्रिक की बात करते हैं तो इसका फैब्रिक भी ओके है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने इसे एम साइज में मंगाया है बिकॉज मैंने एम साइज आती है। यह है इसका नेकवर्क एंड इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 535। ये भी मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में मिला है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको मैं पूरी डिटेल में एंड क्वालिटी वगैरह आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि मुझे कैसा रिसीव हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये इसकी पिक से बिल्कुल भी मैच नहीं है। इसका आप नेक वर्क देख सकते हैं एंड साथ में ये जो नीचे का फिल का फैब्रिक है ये भी जो पिक में दिया गया है वैसा नहीं है। तो मैं इसे टोटली डिफरेंट बोलूँगी। नेक वर्क का आपको साइड में पिक दिख रहा होगा उससे आप मैच कर सकते हैं कि नेक का वर्क बिल्कुल भी वैसा नहीं है एंड स्लीव्स का वर्क भी वैसा नहीं है एंड साथ में जो फैब्रिक है नीचे का वो भी जो फ्रिल लगी हुई है एक्स्ट्रा वो सेम नहीं है। तो ये बिल्कुल जो दिखाया गया है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 431 रुपीज़। ये कुछ इस तरह का है ये आप देख सकते हैं। मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में मिला है तो मैं इसको पूरा ओपन करके अब आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। ये कुछ इस तरह से दिखता है जिसे कि आप देख सकते हैं। इसके साथ दी गई है ये बेल्ट कमर पे लगाने के लिए। एंड बात करते हैं इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक अच्छा है एंड ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगा मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्यारा है एंड फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये लीलन फैब्रिक है। एंड बात करते हैं इसका प्राइस की,
तो इसका प्राइस है 697 रुपीज़ है, मैंने इसका बाय किया है। तो ये पीस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट 697 रुपीज़ में मुझे महंगा लगा, बट लुकिंग वाइज ये काफ़ी अच्छा है। एंड बात करते हैं इसकी इमेज से मैचिंग की, तो ये बिल्कुल अपनी इमेज से मैच होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में। तो ये कुछ इस तरह का है एंड ये कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव हुआ है। तो इसको आपको अभी पूरा ओपन करके डिटेल में बता सकती हूँ मुझे कैसा और क्या रिसीव हुआ है। ये कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है जिसे कि आप देख सकते हैं। तो ये इसकी इमेज से मैच तो होता है, बट इसके जो फ्लेयर दिया गया है वो फ्लेयर जो इमेज में दिया गया है उतना फ्लेयर नहीं है इसका। इसका फ्लेयर अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के लगभग का फ्लेयर है जैसे कि आप देख सकते हैं, बट जो इमेज में दिया गया है वो काफ़ी अच्छा घेर दिखाया गया है उसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। एंड इसकी बात करते हैं फैब्रिक की, तो इसका जो फैब्रिक है जो खादी बोलते हैं, खादी कॉटन, ये उस टाइप का है। एंड करते हैं इसके प्राइस की बात, तो इसकी जो प्राइस है वो है 558 रुपीज़। तो ये कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है मुझे, तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा रिसीव हुआ है, किस तरह का दिखता है। आप साइड में पिक देख रहे होंगे, तो जो ये और कुर्ती है ये जस्ट रेप्लिका है, ये ओरिजिनल पीस नहीं है। आप खुद भी साइड में पिक में देख रहे होंगे कि जो पिक में फ्लेयर दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जो इसका फ्लेयर आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा कोई फ्लेयर नहीं है इसके अंदर। एंड जस्ट जो वर्क है यहाँ का ये भी सेम वैसा नहीं है, सिर्फ इसका कॉपी किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये इसका जैकेट है जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर का कोटी, तो ये भी जस्ट कॉपी किया गया है, ये वैसा नहीं है जैसा कि उस पिक में दिखाया गया है। एंड जो इसका कुर्ती है वो स्लीवलेस है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड ऊपर से ये कुर्ती है, आप इसको हटा सकते हैं एंड स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है एंड वो ऊपर से जैकेट है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड ये कुछ इस तरह का है। बात करते हैं इसका प्राइस की, तो इसका प्राइस है 515 रुपीज़। एंड बात करते हैं इसके फैब्रिक की, तो जो इसका फैब्रिक है वो कॉटन है, बट पतला कॉटन है ये। ये भी ओके बट इतना अच्छा नहीं है जैसा कि पिक में दिखाया गया है। तो ये थी मेरी मीशो से बाय की हुई कुर्तीज़। तो कुछ कुर्तीज़ अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हैं एंड कुछ कुर्तीज़ प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगी हैं। एंड कुछ कुर्तीज़ अपनी इमेज से मैच करती है एंड कुछ कुर्तीज़ अपनी इमेज से मैच नहीं करती, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है। तो होता है ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप क्या मंगा रहे होते हैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाता है वहाँ से। तो ये था मेरा मीशो से बाय की हुई कुर्ती का हॉल। आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको जल्द से नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मैं इनका कोड आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।